नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका नर्सिंग करियर क्लब के डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के ऑनलाइन सेक्शंस में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। दोस्तों, हम इस चैप्टर के अंदर निम्नलिखित पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा हीमोग्लोबिन, तीसरा टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, चौथा पर्पज, पाँचवा प्रिंसिपल, छठा रिएजेंट, सातवां प्रोसीजर, आठवां एप्लीकेशन। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में कि हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस होता क्या है। इंट्रोडक्शन या परिचय, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एक रक्त परीक्षण है जो आपके लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक विभिन्न प्रकार के प्रोटीन को मापता है। इसे कभी कभी हीमोग्लोबिन इवैल्यूएशन या स्किल सेल स्क्रीन कहा जाता है। हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग असामान्य हीमोग्लोबिन की पहचान करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक विद्युत प्रवाह का उपयोग करता है। रक्त हीमोग्लोबिन प्रकारों में हीमोग्लोबिन के सामान्य और असामान्य प्रकारों पर अलग अलग विद्युत आवेश होते हैं और अलग अलग गति से चलते हैं। करंट में प्रत्येक हीमोग्लोबिन प्रकार की मात्रा को मापा जाता है। हीमोग्लोबिन का आणविक द्रव्यमान 64,450 या 64,450 होता है। हीमोग्लोबिन हिम और ग्लोबुलर प्रोटीन से बना होता है। हीमोग्लोबिन हिम के निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी 1.34 mL/2 प्रति ग्राम होती है। एक अणु ऑक्सीजन के चार अणु ले जाता है। हीमोग्लोबिन भी एसिड बेस बैलेंस को व्यवस्थित करने में मदद करता है। टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कुछ सामान्य हीमोग्लोबिन के प्रकार हैं हीमोग्लोबिन ए, HbA, जो वयस्कों में हीमोग्लोबिन का 95% से 98% होता है। हीमोग्लोबिन A2, HbA2, जो वयस्कों में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन का 2% से 3% होता है। हीमोग्लोबिन HF, AF, HbAF, एक फीटल हीमोग्लोबिन के रूप में भी जाना जाता है, जो भ्रूण और नवजात शिशु में पाया जाता है। यह जन्म के तुरंत बाद HbA द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। हीमोग्लोबिन के असामान्य रूप को वेरिएंट के रूप में भी जाना जाता है। हीमोग्लोबिन में असामान्यताएं ज़्यादातर अनुवांशिक उत्परिवर्तन के कारण होती है। 350 से अधिक प्रकार के HbA पाए गए हैं। HbC, D, M और S असामान्य रूप से होते हैं। तो दोस्तों, अगली स्लाइड पर बढ़ने से पहले मैं इन स्लाइड पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहूँगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, मॉलिकुलर वेट ऑफ HbA इज, ए ऑप्शन है 64,450, बी ऑप्शन है 70,850, सी ऑप्शन है 44,450, डी ऑप्शन है 85,450। तो इसका सही आंसर होगा 64,450। पर्पज, रूटीन चेकअप पूर्ण रक्त परीक्षण का एक हिस्सा है। रक्त विकार, थैलेसीमिया, पोलिसेथीमिया, वेरा और स्किल सेल एनीमिया का डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। अनुवांशिक स्थिति को स्क्रीन करने के लिए भी किया जाता है। कपल्स को यह पता लगाने में मदद करता है कि एनीमिया के कुछ रूपों के साथ एक बच्चा होने की कितनी संभावना है, जिसे माता पिता से बच्चे के लिए विरासत में प्राप्त किया जा सकता है। जब किसी हीमोग्लोबिन सोल्युबिलिटी टेस्ट पॉजिटिव होता है तो यह जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल विद्युत कण संचालन के सिद्धांत का उपयोग करता है। अलग अलग हीमोग्लोबिन पर अलग अलग चार्ज होते हैं और उन चार्ज और हीमोग्लोबिन की मात्रा के अनुसार अलग अलग चैन जेल में अलग अलग गति से चलती है और अलग हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, अगली स्लाइड पर बढ़ने से पहले इन स्लाइड पर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, कितने परसेंट
या ब्रैकेट परसेंट हीमोग्लोबिन ए एच बी ए वेस्क में पाया जाता है 55-68%, 70-85%, 95-98%, 40-60%। तो इसका सही आंसर होगा 95-98%। रिएजेंट या फिर अभिकर्मक इलेक्ट्रोफोरेसिस बफर टीईबी या ट्रिस बोरेट ईडीटीए जिसका पीएच 8.5 होता है, वेटिंग एजेंट, गीला करने वाला एजेंट जैसे जिपजोन प्रेप सॉल्यूशन, फिक्सेटिव स्टाइन सॉल्यूशन 5 ग्राम, हेमोलाइजिंग अभिकर्मक 100 मिलीग्राम, पोटेशियम साइनाइड में 0.5% टाइट्रन, डेस्टिनिंग सॉल्यूशन, विनाशकारी सॉल्यूशन 3% एसिटिक एसिड, नमूना ईडीटीए या हेपेरिन रक्त। दोस्तों बात करते हैं प्रोसीजर की, प्रक्रिया की। ब्लड का नमूना लेना, नमूना संग्रह, रक्त 5 मिनट के लिए 1200 RPM पर सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करें, टीईबी बफर के साथ इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक तैयार करें, 5 मिनट के लिए बफर में सेलुलोज एसीटेट भिगाएं, प्रत्येक डायलूटेड सैंपल को 5 माइक्रोलीटर के साथ अच्छी तरह से नमूना प्लेट भरें और वाष्पीकरण को रोकने के लिए ग्लास स्लाइड के साथ कवर करें, जिप जोन तैयार सॉल्यूशन के साथ एक दूसरे सैंपल को अच्छी तरह से प्लेट में लीड करें, फिर उन्हें एक ब्लॉटर पर अप्लाई करें। साफ ब्लोटिंग पेपर की 2 परतों के बीच सेलुलोज एसीटेट स्ट्रिप को 2 बार ब्लोट करें, सेलुलोज एसीटेट को सूखने की अनुमति न दें, युक्तियों को बार सैंपल वेल्स में डिप्रेस करके एप्लीकेटर को लोड करें, ब्रिज के पार सेलुलोज एसीटेट प्लेटें रखें, इलेक्ट्रोफोरेसिस के 25 मिनट बाद सेलुलोज एसीटेट को तुरंत पॉनक्यूएस में स्थानांतरित करें और फिक्स करें और 5 मिनट के लिए स्टेन करें। पहले एसिटिक एसिड रिजर्वर में 5 मिनट के लिए अतिरिक्त स्टेन को वॉश करके निकालें, झिल्ली को लेबल करें और सुरक्षात्मक लिफाफे में स्टोर करें। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से देख समझ सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रोफोरेसिस का चित्र है जो हीमोग्लोबिन को मापने का कार्य करता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन तो एनोड से जुड़ा होता है और क्लॉथ वीक कैथोड से जुड़ा होता है जो कि पावर सोर्स से अटैच होते हैं। साथ ही इसमें जेल स्लैब और सैंपल वेल को दिखाया गया है। दोस्तों बात करते हैं रिस्क की। एक नस से रक्त का नमूना लेते समय समस्या होने की बहुत कम संभावना है। हेमेटोमा में कई मिनट के लिए साइट पर दबाव रखकर चांसेस कम कर सकते हैं। ब्लीडिंग में, पंचर साइट पर संक्रमण में, बेहोशी या हल्का फुल्का महसूस करना इसमें रिस्क में शामिल होता है। बात करते हैं रिजल्ट की, परिणाम की। प्रयोगशाला के आधार पर 1-2 दिनों के बाद परिणाम आता है। अगर सामान्य है तो कोई समस्या नहीं, यदि असामान्य है तो निम्न स्थितियाँ असामान्य HB के प्रकार पर निर्भर हो सकती है। HbA2 और F दोनों की सामान्य मात्रा से अधिक का मतलब हो सकता है कि थैलेसीमिया का हल्का रूप मौजूद है। HbF के उच्च स्तर को दुर्लभ स्थिति में देखा जा सकता है जिसे भ्रूण के हीमोग्लोबिन की वंशानुगत दृढ़ता कहा जाता है। उच्च मात्रा में HbS का अर्थ है स्किल सेल रोग है। उच्च मात्रा में HbS का मतलब है कि रोगियों में एनीमिया और बढ़े हुए प्लीहा है। उच्च मात्रा में HbE का मतलब है कि रोगियों में एनीमिया है और RBC का आकार सामान्य से छोटा होगा। जैसा कि आप इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जब अगर मरीज एनीमिया से ग्रसित है जैसे थैलेसीमिया, यदि माइनर ट्रेट है तो उसमें हीमोग्लोबिन ए की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और हीमोग्लोबिन ए टू मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन हीमोग्लोबिन एफ का सामान्य रहता है। और इसी प्रकार यदि मेजर है तो उसमें हीमोग्लोबिन ए टू और एफ दोनों बढ़ जाते हैं और हीमोग्लोबिन ए कम हो जाता है। यदि मरीज सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है तो उसमें हीमोग्लोबिन एस की मात्रा बढ़ जाती है।
टेस्ट को क्या प्रभावित करता है। पिछले 3 महीनों में खून का संक्रमण होना, लोहे की कमी से एनीमिया होने से यह हीमोग्लोबिन A2 के लिए गलत परिणाम हो सकते हैं। अस्पष्टीकृत हेमोलिटिक एनीमिया का मूल्यांकन माइक्रोसाइटिक एनीमिया, लोहे की कमी, पुरानी बीमारी या सीसा विषाक्तता के से संबंधित है। असामान्य लाल कोशिकाओं के फीचर के साथ एक पेरिफेरल स्मियर जैसे लक्ष्य कोशिका या स्किल कोशिका, हीमोग्लोबिनोपैथी का सकारात्मक पारिवारिक इतिहास, सकारात्मक नवजात स्क्रीन परिणाम, स्किल सेल या घुलनशीलता परीक्षण पर सकारात्मक परिणाम। दोस्तों, अगली स्लाइड पर बढ़ने से पहले इन स्लाइड पर एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाहूँगा। कौन सी HB स्किल सेल एनीमिया में उच्च मात्रा में मौजूद है? HbA, HbA2, HbF, HbS। तो इसका सही आंसर होगा HbS। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।